नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। दरअसल घटना है अरनाला पुलिस स्टेशन के बाहर पार्किंग में पड़ी जब्त गाड़ियों में आग लगने की। जहां कभी कोई जब्ती कार्रवाई होती है, पुलिस द्वारा कोई वाहन जब्त किया जाता है, तो उस वाहन को पुलिस अपने किसी ऐसे स्थान पर रखती है जहां उनको पुलिस स्टेशन के बाहर या पुलिस का गोदाम वहां पर। लेकिन वहां उस वाहन की सुरक्षा क्या है, नहीं है, इसका कोई कभी ध्यान नहीं रहता है। हाल ही में सोमवार को एक ऐसी घटना घटी अरनाला पुलिस स्टेशन के वहां, जहां अरनाला पुलिस स्टेशन द्वारा जब्त की गई गाड़ियों में अचानक से आग लगी। या आग किसने लगाई, कैसे लगी, उसकी तो जांच होगी तो उसके बाद ही कुछ जानकारी सामने आ पाएगी। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब पुलिस स्टेशन में ऐसी जब्त की गई बाइक या गाड़ी में आग लगी हो। इसके पहले इस तरह की घटना वाली पुलिस स्टेशन में भी हो चुकी है, और आज भी आप जाएंगे तो कई पुलिस स्टेशन में आपको यही हालात दिखाई देंगे कि वहां पुलिस स्टेशन के बाहर जब्त की हुई गाड़ियां भंगार की तरह पड़ी हुई है। कई बार पुलिस जब जब्ती कार्रवाई करती है तब लोग सामने से अपनी गाड़ी को छुड़ाने, अपनी बाइक को वापस लेने तक नहीं आते हैं। कई बार कुछ केस के मामले में गाड़ी जब्त की जाती है तो वो न्याय प्रक्रिया में देरी होने की वजह से हैंडओवर नहीं हो पाती है, और वो जब हैंडओवर नहीं हो पाती है तो वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर पड़ी पड़ी वो गाड़ियां सड़ती रहती है। और फिर अचानक से कभी मालूम पड़ता है इस तरह की कोई घटना सामने आती है, तो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद में एक सवाल या निशान जरूर है कि क्यों नहीं पुलिस समय रहते इन गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती। क्योंकि इन गाड़ियों में आग लगी, अगर ये गाड़ियां ये आग आगे फैल जाए तो काफी कुछ नुकसान हो सकता है। हालांकि सोमवार को जब गाड़ी में आग लगी तब वहां महानगर पालिका का अग्निशमन दस्ता पहुंचा और चंद घंटों में आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक कई गाड़ियां जलकर राख हो गई, आप स्क्रीन पे विजुअल में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में पुलिस प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है, और ऐसे लोग जो अपनी गाड़ियां जब्त होने के बाद में गाड़ी से फिर से लेने नहीं आते हैं, उन लोगों को भी अपनी गाड़ियां वहां से उठानी चाहिए। और कहीं ना कहीं सिस्टम में जो कुछ, अगर खराबी हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो कुछ कमियां है उसको दूर किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आए और किसी के मालमत्ते का नुकसान नहीं हो। तो देखिए उस दिन क्या हुआ था सोमवार को, इस वीडियो में आ गया। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। धन्यवाद। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।